अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक और वीडियो में वेलकम हो गया आप लोगों का। सैटरडे का दिन है, हम शाह क्रिकेट एकेडमी आए हुए हैं। मेरे साथ यहाँ विराट भी खड़े हुए हैं और यहाँ पे कैचिंग चल रही है सीनियर्स की। सीनियर्स हाई कैचेस कर रहे हैं और मुतीब वीडियो बन रही थी, उसी टाइम छोड़ा है बॉल। और जूनियर्स के नेट हो रहे हैं, सुहेल रफीक साहब ये कंडक्ट कर रहे हैं, नेट सुपरवाइज कर रहे हैं सुहेल रफीक। और जाए सुफियान, और बहुत ही आज कोई प्लेजेंट डे है, बहुत ही कड़कती हुई धूप और टाइट वाली धूप। और साथ साथ भी मौजूद हैं और अभी हमें जाना है। अच्छा हाँ, आज का प्लान ये है कि अभी हमने जाना है ग्रेजुएशन सेरेमनी है कॉलेज में। मैं जाऊंगा, कपड़े वगैरह मैं गाड़ी में लेकर आया हूँ, जाऊंगा कॉलेज चेंज करूंगा, वहाँ से ग्रेजुएशन सेरेमनी इम्पीरियल मार्की, वहाँ से इम्पीरियल मार्की वहाँ से फिर हम जाएंगे। आज बास्केटबॉल का मैच है हमारी गर्ल्स का, एक टूर्नामेंट है राइट टू प्ले के नाम से, तो फिर वहाँ हम जाएंगे स्क्रीन 33 और फिर वहाँ से घर जाएंगे, चेंज करेंगे और शाम में है वेलकम पार्टी, तो हम जाएंगे फिर कॉलेज की वेलकम पार्टी में जिसे कहते हैं महफिल समा। तो आपको मैं ये दोनों चीज़ें दिखाता हूँ, आप लोग मेरे साथ हैं सारा दिन। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 और आप लोग मेरे साथ हैं आज रात 8-9 बजे तक। हाँ जी, तो भाई बहुत गर्मी है और एकेडमी अभी अभी ख़त्म की है, 10 बज रहे हैं और अब जो है मैं जाऊँगा, तैयार होऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कॉलेज ही चला जाऊँ। कपड़े तो मैं साथ लाया हुआ हूँ लेकिन ये है कि सोच रहा हूँ कॉलेज जाके वहीं मूव होके चेंज करके और सीधा फिर मैं वेन्यू पे पहुँचूँ। और अभी बस वेट कर रहे हैं, सामान ले आए, एकेडमी का सामान लेकर आ रहे हैं बच्चे पैक करके। जैसे ही समीर सामान लेकर आता है तो फिर हम निकलते हैं कॉलेज के लिए, वहाँ जाते हैं, मूव होते हैं, चेंज करते हैं और फिर हम निकलते हैं। ओके, तो फिर निकल गए हम तैयार होकर कॉलेज से और कोट पीछे टंगा हुआ है, अभी कोट वहाँ जाकर पहनेंगे, अभी वेस्ट कोट पहन लिए और शूज भी वहाँ जाकर पहनेंगे। लेट हो गए थोड़ा, बस पहुँच रहे हैं वहाँ जल्दी से और आप लोगों से मिलते हैं फिर वेन्यू पर पहुँच कर। आई नो दिस इज अ वेरी लाइक इम्पोर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ एंड यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट एंड गेट योर सर्टिफिकेट्स एंड वापस आने की अभी भी थोड़ी जान बाकी है, जब तक है जान। हाँ जी, तो भाई एवरीवन, अभी सीन ये है कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, इतनी शदीद गर्मी है यकीन करें बता नहीं सकता कितनी गर्मी है और मज़ा आ रहा है, मज़ा भी कह लें और नहा भी रहे पसीनों में। यहाँ पे आपको ऐसे पता ही होगा कि जिम्नेजियम है या फैंस वगैरह और इसका तो कुछ वो है ही नहीं, बस यही है कि अल्लाह ताला कर बैठे हैं और वेट कर रहे हैं हमारे मैचेस का, हमारे जल्दी से मैचेस हो जाए तो हम जाएं। और शाम में फिर मुझे वेलकम पार्टी में भी जाना है, उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो आप लोगों से मिलते हैं, मैं आपको मैच दिखाता हूँ हमारी गर्ल्स का, आप मैच देखें उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। हाँ जी, तो भाई एवरीवन, अभी यहाँ पर हम वेट ही कर रहे हैं और टूर्नामेंट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, टूर्नामेंट तो स्टार्ट हो गया, हमारा मैच स्टार्ट नहीं हुआ, एक भी मैच नहीं हुआ कॉलेज का। हमारी टीम आ चुकी है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मेरी हालत से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और टाइम हो गया है, हम लोग यहाँ पहुँच गए थे आई थिंक 1:15 बजे तक और अभी टाइम हो रहा है 3:15 और हमारा मैच नहीं स्टार्ट हुआ है। सुबह से निकला हुआ हूँ, अकेडमी कराई है, अकेडमी करा के मैं गया हूँ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन से यहाँ पर आए हम और गर्मी जो है वो कह रही है कि घर जाओ, एसी चलाओ और सो जाओ। तो फिर ये सीन है यहाँ के, अब हम निकलने लगे हैं यहाँ से, मैं सोच रहा हूँ घर जाऊँ, चेंज करूँ, शाम को वेलकम पार्टी है उसकी तैयारी करूँ, कपड़े वगैरह देखूँ, तो मैं सर से बोल के भी निकलते हैं। बहुत थक गए भाई, बैठे बैठे गर्मी में थक गए, निकल तो जाती हैं और हम निकल गए मज़ेदार मैचेस चल रहे हैं, इतने मज़ेदार चल रहे हैं कि मज़ा ही आ रहा बहुत है, बहुत एक्साइटिंग एक्साइटमेंट हो रही है और गर्मी दिखती है बात।
और सर सो रहे थे बैठे बैठे। ये देखें हारी हुई टीम का मैनेजर जा रहा है नजीबुल्ला और ये सारे हमारे प्लेयर्स निताशा भाई, मैं यूट्यूब पे लगाऊंगा, मसला तो नहीं है। हाँ जी, तो भाई एवरीवन निकल रहे हैं हम और ये कोल्ड ड्रिंक्स बची थी जो कि उठा ली हमने और लेकर जा रहे हैं, अभी घर जाएंगे। टाइम हो रहा है 5 बज रहे, पूरे 5 बज गए और 5 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं, 7 बजे हमें पहुँचना है वेलकम में, तो घर जाना है, तैयार होना है। मैंने सोचा है थोड़ा सा यूसुफ भट्टी के पास भी जाएंगे, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं यूसुफ भट्टी के पास पहुँच कर। ये नजीबुल्ला मेरा दोस्त, ज़बरदस्त सुबह से आया हुआ, एक फार हो रहा है बेचारा गर्मी में। चलिए आप लोगों से मिलते हैं फिर हम। हाँ जी, तो भाई एवरीवन अभी हो रहा है 5:15 और हम जा रहे हैं घर, बहुत थक गए, हालात से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या हालत हुई है, और आज का दिन बहुत बिजी है। अभी हमने जाना है घर, जाके तैयार होना है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर तैयार होंगे और फिर जाना है वेलकम पार्टी में। तो बस ये आज का जो रूटीन, आज का जो मतलब हमारा शेड्यूल था बहुत ही टफ था, और पसीनों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी गर्मी है, क्योंकि मेरी गाड़ी का एसी भी ख़राब हो गया है, तो मैंने लाजमी कल इंशाल्लाह ताला जाना है और कल हमने एसी सही करवाना है जी। ये डन हो गया, मैं और आप लोग जाएंगे हम लोग और जाके हम कल एसी सही करवाएंगे पहली फुर्सत में, तो ताकि भाई थोड़ा सुकून से, तो गाड़ी में टाइम तो गुजरे ना, बाहर का तो एक अलग चीज़ है लेकिन गाड़ी का तो सुकून से गुजरे। हाँ जी, तो भाई एवरीवन निकल गए हम घर से, 5:30 बजे आए थे, अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मैं रुका हूँ 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा काम था बाहर और बस ऐसे ही काम होता है, तो फिर हम निकलते हैं और इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएंगे, 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। सेकेंडली ये है कि आज से सारा दिन आप लोगों के सामने कितना बिजी शेड्यूल है और थक भी जाता है इंसान, लेकिन ये कि काम है और काम करना है और करते चले जाना है। बस ये हमारी खड़ी है यहाँ पे लैम्बोर्गिनी, और जैसे ही हमारा ये वाला काम होता है हम बैठते हैं और चलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए खड़े खड़े ही जो है ना वो पसीने आ रहे थे, और मेरी गाड़ी का एसी भी ख़राब है, जो बैकड्रॉप जो क्या कहलाएगा हमारा जो सबसे बड़ा आज का फ्लॉ है ना वो यही है कि हमारी गाड़ी का एसी ख़राब है, तो एसी अगर सही होता तो काफ़ी बेहतर हो जाता। बस सही है, अब हम निकलते हैं, इंशाल्लाह ताला पहुँचते हैं वहाँ पर और वहाँ पहुँच कर वेन्यू पर आपसे बात करते हैं। तो भाई एवरीवन पहुँच गए हैं हॉल और वेन्यू पे पहुँच गए हैं, इससे पहले कि म्यूजिक शुरू हो मैं पहले से ही जो है ना वो अपना जो है ना वो इंट्रो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो बस पहुँच गया और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के सीन्स क्या है, किस तरह बहुत हमारी आप लोगों को सुनवाते हैं, और उसके बाद फिर जॉइन लेने लगेंगे घर के लिए, आप लोगों से तब मिलते हैं और तब उसे फिर चाय वगैरह भी मिलते हैं, वापस जाते हैं, जब तक आप लोग ये सीन देखिए कमाली। सेल्फी लेनी है आपके साथ, इधर चलिए बहुत बड़ा फैन भाई, वो तो बोल रहे हंसना सारी। हाँ जी, तो भाई मैं महफिल समय के बाद सर को ड्रॉप करने के बाद अभी जौहर मोड़ पहुँच गया हूँ वापस, और 12:00 बज के
35 मिनट हो रहे हैं और जो है सुबह फिर एकेडमी जाना है। आज बहुत तीन इवेंट थे, सारा दिन ही बाहर हो गया और आज बेगम ने तो छोड़ना ही है, मेरी जान से मारेगी आज। मतलब यार सारा दिन हो गया बाहर हो गया, वो जाहिर है वो करते तो बुरा लग रहा होता है। खैर बस घर पहुंचने वाले 5 मिनट में, तो हम इस वाली वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। आप लोगों से इजाज़त चाहिए और मुझे इजाज़त दें, आप लोगों से मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।